हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? इफ ए इक्वल्स टू में है हमारे पास, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 की, और इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। हमें फाइंड क्या करना है? ए डिटरमिनेंट। तो इसको ए डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, 1, 2, 5, 1, 1, 4, -2, -3, -9। अब आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने अच्छे से किया है कि 3x3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ से आपको पता है कि ये हमारे पास a12 का एलिमेंट है, ये a11 का, ये a12 का, और ये a13 का। यहाँ पे a12 के एलिमेंट का साइन चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a डिटरमिनेंट किसके को ला जाएगा, 1 आगे, मल्टीप्लाई किस चीज़ की किसके साथ? देखो, इसका कॉलम छूटता है, इसकी रो छूटती है, बाकी 1 की मल्टीप्लाई 9 के साथ, और 4 की मल्टीप्लाई -3 के साथ। 1 की मल्टीप्लाई -9 के साथ करेंगे तो क्या जाएगा? -9, और 4 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो क्या जाएगा? -12। तो यहाँ पे क्या जाएगा? -9, और फिर -12 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? +12। ठीक है, अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा a12 के एलिमेंट का, -1 आ गया। अब मल्टीप्लाई किस चीज़ की किसके साथ? इसका कॉलम छोड़ दो, इसकी रो छोड़ दो, 2 की मल्टीप्लाई -9 के साथ, यहाँ से आ जाएगा -18। 5 की मल्टीप्लाई -3 के साथ क्या जाएगा? -15, और एक माइनस बीच में होता है तो --+15। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब देखो -2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 8, 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या जाएगा आपके पास? 5। तो 8 - 5 इक्वल्स टू में क्या होता है? 3 होता है। अब इसको सोल्व कर देते हैं, यहाँ से क्या जाएगा? प्लस का 3, 3 बन जा 3, और यहाँ से देखो माइनस का 3 के साथ, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3, और यहाँ से 8 - 5 गया 3, और यहाँ पे बाहर क्या है? -2, तो 3 2 जा -6, तो 3 + 3 और -6 क्या हो जाएगा आपके पास? 6 - 6 इक्वल्स टू में 0। ये आ गया आपके पास आंसर, यानी कि ए डिटरमिनेंट। ठीक है, क्लियर हो गया आपको बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये डिटरमिनेंट है, और ये इक्वल टू में इस डिटरमिनेंट की है। तो आपको पता है डिटरमिनेंट में क्या होता है? इसके इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करके इक्वल रख देंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या जाएगा आपके पास? 2, माइनस में 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ क्या जाएगा? -20। ठीक है, इक्वल्स टू में 2x की मल्टीप्लाई x के साथ, तो 2x2, माइनस में 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ क्या हो जाएगी? 6 4 जा होता आपके पास 24। ठीक है, यहाँ से -18 इक्वल्स टू में 2x2 -24, माइनस उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो -18 + 24 इक्वल्स टू में 2x2। अब यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा? प्लस का 6 इक्वल्स टू में 2x2। एक्स स्क्वायर आपके पास किसके को आ जाएगा? 3 के, और यहाँ से x आ जाएगा √3। ठीक है, समझ में आ गया आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट, इसमें भी ऐसे ही, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो यहाँ से देखो, 2 5 जा 10, माइनस में 4 3 जा 12 इक्वल्स टू में 5x, माइनस में 3 की 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x। यहाँ से क्या बच गया? माइनस का x, और यहाँ से क्या बच गया? माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, x आपके पास 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब हमारे पास x 2 होगा तो ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल होंगे, और इस कंडीशन में x आपके पास क्या होना चाहिए? √3 होना चाहिए, तब आपके पास क्या होगा? ये दोनों हमारे पास इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे ±√3 लिख लेना आप। क्लियर हुआ यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला है, बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों डिटरमिनेंट इक्वल हैं, हमें x की वैल्यू बतानी है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो यहाँ से हो जाएगा x2, माइनस का 8 × 36 इक्वल्स टू में क्या है? 6 6 जा 36, माइनस में 18 × 36 या आपके पास 0, और x²-36 है इस साइड, x² यहाँ पे रह गया है, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, और x आपके पास क्या जाएगा? इसका रूट, यानी कि 6, और पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास। देखो 6 भी ऑप्शन है, और पॉजिटिव नेगेटिव 6 भी ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है? बी ऑप्शन पे टिक करना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे तीनों क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग,
हैव ए नाइस डे।